Hey guys, welcome back to my channel Blog with Triple A। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग कल के व्लॉग में देखे हो कि कल सारा रात 5 बजे तक खाना बना, सब जुगाड़ करके, सब ठीक ठाक करके सोते सोते हम लोगों का बज गया था रात का 5। और फिर इधर सुबह 8 बजे उठ के हम लोग चल गए थे पूजा देने के लिए। तो मम्मी पूरा नहा धो के रेडी हो गई थी और इधर पहले दुकान में बोल दी कि धूप मोमबत्ती जो सब लगने वाला है वो सब, और हम लोग इधर आ गए थे गोवाला के पास दूध लेने के लिए। तो देख पा रहे हो इधर बहुत सारे गाय थे, पर कोलकाता है, छोटा छोटा जगह है, तो वो लोग को रखा गया था इधर ही। तो फिर इधर थोड़ा बहुत हम क्लिप ले रहे थे और इधर मम्मी का जो दूध है ना वो लेना हो गया था। तो गाय का ये दूध आज चढ़ाया जाएगा मनसा देवी के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। और फिर फाइनली इधर ना, तो उनका तो मतलब सांपों की देवी है ना, तो दूध और केला दे के पूजा दिया जाता है, तो मम्मी वही केला लेने इधर आ गई थी। और इधर कुछ कुछ सा एक विश्वकर्मा भगवान जी का पूजा हो रहा था इधर, और देख पा रहे हो सब ऑटो वगैरह सब कुछ मतलब पूजा देना हो गया था इधर। तो थोड़ा बहुत क्लिप ले रही थी और फिर इधर फ्लावर के दुकान आ गई थी हम लोग फ्लावर लेने के लिए, और फिर चल रहे थे मंदिर की तरफ सारा कुछ लेने के बाद। जाते जाते इधर शिव जी का भी दर्शन हो गया और फिर चलिए जल्दी से चलते। और देख बार इधर बाइक वगैरह सब कुछ साफ वगैरह हो रहा था, और बहुत सारा ऑटो वगैरह भी पूजा देना हो गया था, क्योंकि आज सब जितने सारे व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, सबको मतलब पूजा दिया जाएगा। तो फिर फाइनली हम लोग आ गए थे पूजा देने के लिए। तो इधर मनसा माँ का जो पेड़ है ना वो था, तो इस इधर ही पूजा दिया जाता है। और गाँव में पता है इस दिन क्या होता है, सांप आते हैं दूध और केला खाने के लिए। हम खुद भी देखे एक दो बार, पर अच्छा लगता है, पर इधर तो ये नहीं होने वाला है। तो फिर यही पेड़ था, तो इधर ही पूजा दिया जा रहा है। और ब्राह्मण जी देख पा रहे हो सुबह से पूजा दे रहे हैं, और हम लोग 8:30 बजे आए थे, लोग लगता है सुबह 6 बजे से पूजा दे रहे थे। बहुत सारे फ्लावर वगैरह थे, दूध वगैरह सब चढ़ाया गया था। और मेरी मम्मी सोची जब पूजा देंगे खुद से देना ही अच्छी बात है, तो मम्मी इधर जो प्रसाद लेके गई थी भगवान को वो चढ़ा दी, और साथ में इधर मम्मी दूध भी चढ़ा रही थी। और पास में शिव जी भी थे, क्योंकि सोमवार था तो सब लोग दूध वगैरह भी चढ़ा रहे, देख पा रहे हो। तो फिर चलिए मम्मी इधर पूजा देके भगवान जी को प्रणाम कर ली, और फिर फाइनली इधर फूल वगैरह जितना सब था भगवान जी के लिए, तो वो सब भी मम्मी इधर चढ़ा रही थी। और उधर देख पा रहे हो बहुत भीड़ था, पर हम भी उसके अंदर भी वीडियोस वगैरह ले रहे थे। सब मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे भाई वीडियो क्यों ले रही है, पर यही मेरा काम है, मुझे तो करना पड़ेगा। तो फिर मम्मी इधर पूजा देने के लिए रेडी हो गई थी, और ब्राह्मण जी को बोल रही थी कि देखिए बाप पूजा देना है तो फिर अंजलि देना होता ना, तो वो पढ़ने के लिए। तो फाइनली ब्राह्मण जी परना स्टार्ट कर दिया और सब लोग मिलके दे रहे थे पूजा। तो फिर अच्छा लग रहा था इधर ये सब देखने के लिए, और फर्स्ट टाइम हम कैप्चर कर रहे थे, तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फाइनली यहाँ पे अंजलि देने के बाद मम्मी इधर फ्लावर जितना सारा था, पत्ती वगैरह, तुलसी पत्ती वगैरह, तो सारा भगवान को चढ़ा रही थी और प्रणाम कर रही थी। फाइनली हम भी प्रणाम कर लिए, और मम्मी इधर मतलब उधर ना मतलब भगवान जी के पास नहीं जलाया जाता है धूप मोमबत्ती, इधर अलग से जलाया जाता है। तो उधर ही मम्मी इधर धूप और मोमबत्ती जला ली थी, और जलाने के बाद फाइनली मम्मी जा रही थी भगवान जी को मतलब घुमाने के लिए, उधर दर्शन करवाने के लिए। और फाइनली पूजा देने के बाद जब मैं घर जा रही थी, तब इधर भी एक दुकान में विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा था। और फाइनली इधर बहुत पुराना एक काली माँ का मंदिर है, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा दिए। बचपन से अभी तक इधर ही हम लोग जाते हैं, जब हम लोगों को हवा वगैरह कुछ लग जाता है तब। और ये ना एक कारखाना है जहाँ मतलब बहुत सारा मैकेनिकल काम वगैरह होता है, तो उधर भी बहुत बड़ा करके विश्वकर्मा पूजा हो रहा था। तो उसका भी वीडियो लेने के बाद फाइनली मम्मी बाहर बहुत अच्छे से पूजा लेने के बाद घर में भी आ गई थी, और आके इधर देख पा रहे हो फ्लावर वगैरह लेके, फिर धूप वगैरह लेके मम्मी इधर पूजा दे रही थी। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल मतलब कल राना पूजा का जो मतलब रिचुअल सारा खाना बनाने का वो तो रात में हो ही गया था, उसके बाद आज सारा दिन जो सब बनाया गया है वही सब खाना होता है। तो फिर फाइनली इधर मेरा स्टूडेंट आ भी आ गया था खाने के लिए, तो फिर वो खा रहा था। उसके बाद इधर मतलब कुछ मतलब आ गया था जो सब पूजा के लिए चंदा वगैरह मांगने आते थे, तो वो सब होने के बाद फाइनली मम्मी जो पूजा देके आई थी ना दूध और केला, तो वही इधर मैं खा रही थी। तो इसका ही थोड़ा बहुत वीडियो मतलब भाई बना लिया मेरा। तो फिर चली ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाई भी खा लिया। उसके बाद मेरा भाई और मैं दोनों मिलकर इधर खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाए थे और रात को तो ठीक से नींद हुआ ही नहीं। 3 घंटे के लिए थोड़ा बहुत झपकी लिए, और उसके बाद इधर भाई और हम थोड़ा बहुत खा लिए।
जो रात को मुड़ी बताशा ही खाए थे, और फिर फाइनली थोड़ी देर बाद मेरी मिचकी वाली बुआ, फिर उनकी बेटी की दो ठो बेटियाँ, फिर साथ में मेरी जो बड़ी वाली बुआ है उनकी जो बड़ी बेटी है उनका बेटी, मतलब सब मुझे मीमी बुलाती है, फिर और साथ में बुलाती है पीपी, मतलब बुआ और मासी। सो गाइस फाइनली मेरे लुक को इग्नोर, क्योंकि इतना सारा काम किए 5 बजे तक, फिर साथ में 5 बजे तक काम करने के बाद फिर सुबह उठ के मम्मी के साथ पूजा देना था, फिर आके हम थोड़ा 1-2 घंटा सोए, फिर काम खत्म, 11:30 बजे से सो रहा था। तो फिर अभी जा रहा है अक्कू के लिए खाना, तो वही लेके अभी हम और भाई दोनों जा रहे हैं, तो चलो जल्दी चलते हैं। तो इस फर्स्ट टाइम अक्कू को ऐसे हम और भाई खाना देने के लिए आए थे, क्योंकि वो ड्यूटी पे था और इस महीने से वो ज्वाइन किया था तो वो छुट्टी नहीं ले सकता है, तो फिर फाइनली इसीलिए हम लोग आ गए थे। और उसको सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस पहने वो अच्छा लगता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है ये तो हम मानते हैं। तो फिर फाइनली उसको प्रसाद दे के जब घर लौट रहे थे ना, तब इधर एक मतलब जो गिलहरी होती है ना वो दिखी, और देखो कितना ज़्यादा प्यारी थी और कैसे आवाज़ निकाल रही थी। और फाइनली जब घर लौट रही थी तब नेहा फ़ोन करके बोली कि वो भी रास्ते में है, तो जो उसको लेके भी चलते हैं साथ में। और इधर हम और नेहा सामने से जा रहे थे और मेरा भाई गेम पे ही व्यस्त था, तो फाइनली दोनों बात करते करते गली में आ गए थे घर की तरफ। तो चलिए फाइनली घर में आने के बाद नेहा तो बोली खाने के लिए बैठ जाओ, और वो तो सुबह खाए थे और फिर तो दोपहर हो गया था, तो तब पूरा मतलब थोड़ा बहुत हम और भाई एक साथ खा लिया और नेहा को दे दिए थे। तो तीनों मिलके खाने के बाद बहुत सारा बातें करने के बाद नेहा को फाइनली हम घर छोड़ने के लिए आ गए थे। और जब उसको घर छोड़ने गए ना, तब इधर मतलब पतंग उड़ाया जा रहा था, क्योंकि आज के दिन बहुत लोग ये मतलब पतंग उड़ाते हैं अच्छा लगता है, तो वो इधर हो रहा था। और चाचा जी के साथ फाइनली हम घर आ गए, और इधर भी देख पा रहे हो छत्ते पे सब बच्चा लोग बड़े वगैरह सब लोग मिलकर इधर पतंग उड़ा रहे थे, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था दिखने में, और मुझे भी मन कर रहा था क्योंकि मैं भी 1-2 बार ये सब की हूँ। तो फिर चलो फाइनली इधर, आज के दिन भी मेरा ऑनलाइन क्लासेस था तो फिर वो मुझे अटेंड करना था, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास होता है, वो सब अटेंड जब मैं कर रही थी, और देख पा रहे हो इधर खाना वाना मतलब अभी रखा गया है, भाई भी सो रहा था। और फिर फाइनली इधर जब मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरा क्लास तो 2 घंटे तक था, और फिर पास में जो सब भाई वगैरह रहते हैं ना वो लोग भी खाना लेने के लिए आ गए थे, और मेरी मम्मी सारा दिन यही सब कर रही थी। और फाइनली ये है मेरे छोटे भैया की पुचकी सी बेटी, तो फिर चलिए बहुत ज़्यादा प्यारी है और पूरा पापा जैसा दिखती है। और फिर इधर शाम जब हो गया था, मेरी बुआ और मेरी जितनी सारी दीदी की बेटियाँ हैं तो सब लोग मिलकर बोलने लगे कि चलो पीपी, चलो मासी चलते हैं फुचका खाने के लिए, पानी पूरी। तो फिर इधर हमारे पाड़ा में हम लोग आ गए थे पानी पूरी खाने के लिए। हमारी इधर के पानी पूरी में ना प्याज वगैरह नहीं देते, तो पूरा वेजी है, तो फिर फाइनली ये सब तो खा ही सकते हैं, पानी पूरी किसको ना पसंद होता है ना। तो फिर इधर सब लोग मिलकर खा रहे थे, और पुचकी को देखो देख रहा है सबका पानी पूरी खाना, सोच रहा है कब मेरा वाला ख़त्म होगा। और फिर फाइनली ये जो छोटी सी पुचकी थी मेरी दीदी की पुचकी सी छोटी सी बेटी, तो फिर इधर मेरा पढ़ाई हो गया था, तो मम्मी किताब वगैरह सब बैग में रख रही थी, और इधर पुचकी देख पा रहे हो ऊपर जाने के लिए मतलब बोल रही थी कि दीदी मुझे ऊपर ले चलो, पर बात तो नहीं कर सकती, और मेरा भाई तो नहीं गया था तो चुड़मुड़ वगैरह ले आए थे, तो वही इधर खा रहे थे। और सब लोग थोड़ा बहुत बातचीत किए, हंसी मजाक सब कुछ किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फाइनली इधर मेरी मम्मी रेडी कर रही थी, मतलब बुआ लोग सब घर जाएंगे ना, रात हो रहा था तो इसीलिए मेरी मम्मी इधर रेडी कर रही थी खाना उनके लिए, तो यही थोड़ा बहुत हो रहा था तो इसका भी क्लिप ले लिए। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया था, पर जो हम मिस किए ना, मेरी बड़ी वाली बुआ नहीं आई थी तो उनको थोड़ा बहुत मिस किए, और छोटी वाली बुआ वो भी नहीं आई थी क्योंकि उनके घर में पूजा है, ठीक है, तो उनको भी वो सब करना है, तो फिर इसीलिए। और इधर मेरी मतलब मम्मी सबके लिए, सब बड़ी बुआ, फिर छोटी वाली बुआ, और साथ में जो मेरी बड़ी वाली बुआ की दीदी है ना मतलब बेटी है, तो उनके पति भी नहीं आ पाए थे मेरे जीजा जी, तो उनके लिए भी सब रेडी कर रहे थे। मेरा भाई और पुचकी सब लोग बदमाशी कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के बात वूत करके यही सब। और मेरी मम्मी देख पा रहे पुचकी साथ खेल रही थी, और बच्चा किसको ना पसंद होता है, तो ओवरऑल चलो इधर मेरी दीदी की बड़ी बेटी टाटा बाय बाय कर दी सबको, तो फिर और ही सब लोग घर जा रहे थे। थोड़ा बहुत मतलब हंस तो रहे थे सब लोग, पर मिस तो इनको करेंगे क्योंकि साल में हम लोग बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सब अपने बिजी शेड्यूल में बिजी रहते हैं काम पे। तो फिर चलिए यही सब बात था, तो फाइनली सब लोग घर चल गए और हमारा घर फाइनली खाली हो गया पूरा फिर से। और फिर साथ में हम देखे मेरी छोटी वाली बुआ आ गई थी अपनी दीदी से मिलने, मतलब मेरी मिचकी वाली बुआ से, तो फिर मेरी बुआ आ गई और वो लोग बस निकल ही गए थे, तो फिर हम बोले चलो बाहर लेके चलते हैं। और फिर जाते जाते उनको भी फ़ोन करके बोले रुक जाओ, तो वो लोग अभी निकले थे तुरंत, तो फिर उनके साथ थोड़ा बहुत मुलाकात हो गया, और फाइनली बारिश भी आ गया था।
मिलने के बाद फाइनली बुआ जी जब घर पे आ गए और मेरे बुआ के पैर में दर्द है इसलिए मेरी बुआ पैर को ऐसे फैला के खा रही थी। और फिर फाइनली बुआ और पुचकू भाई सब लोग खाने के बाद तो वो लोग निकलने के बारे में सोचे और तब जोर से बारिश आ गया तो फिर थोड़ा बहुत वो लोग रुक गए और फिर फाइनली वो लोग रात को घर चल गए थे क्योंकि भाई का सुबह गाइस फाइनली सारा काम हुआ खत्म। मतलब ये जो मतलब पूजा का दिन होता है ना गाइस इंजॉयमेंट तो बहुत होता है, सब लोग आते हैं खाना खाते हैं मस्ती करते हैं, बहुत दिन बाद गैदरिंग होता है तो सारा अच्छा लगता है। पर जो दिक्कत वाली बात होता है वो है घर वालों को बहुत ज्यादा मतलब काम करना पड़ता है ना, क्योंकि पूजा का दिन है सब लोग खाने आएंगे कब किसके मतलब वो लोग तो अपने टाइम पे आएंगे ना, ऐसा नहीं है कि सब एक बार में आके खा के चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई शाम को आ रहा है, कोई रात को आ रहा है, कोई दोपहर आया, कोई सुबह खाने आया, कोई लेके घर चल गया इधर बैठ के नहीं खाया, तो ऐसा होता रहा। फिर मेरी बुआ लोग आई थी इस बार पहली बार और बस मेरी बड़ी वाली बुआ नहीं आ पाई थी पर उनकी बेटी फिर उनकी भी बेटियाँ तो सब आए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और फिर मतलब बहुत लोग आए थे, बहुत कुछ हुआ, बहुत अच्छा लगा फाइनली। और मेरी छोटी वाली बुआ का आने का बात ही नहीं था पर वो भी आ गई थी तो ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। पर जो बात है अभी भी थोड़ा बहुत हम लोग सोच रहे थे कि खाना शॉर्ट पड़ जाएगा पर भगवान जी की कृपा से ऐसा नहीं हुआ, खाना शॉर्ट नहीं पड़ा और सारा दिन बारिश भी नहीं हुआ, अच्छी वाली बात थी। और खाना बनाने के टाइम भी बारिश नहीं हुआ, ये भी अच्छी वाली बात थी। पर अभी बहुत बारिश हो रहा है बाहर तो फिर यही सब बात है। और पापा भी काम पे चल गए हैं और बस अभी हम और मम्मी दोनों घर में हैं और खाना खा लेंगे दोनों और खाना के सो जाएंगे क्योंकि सुबह से बिल्कुल भी हम लोग नहीं सोए। तो बस अभी वो लोग चल जाने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग तो झपकी लिए पर नींद तो नहीं हुआ ऐसा वाला, तो फिर अभी खाना खाएंगे दोनों मिलके और फिर जाके हम लोग सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया दादा और मम्मी का आज यार। मतलब कल सारा दिन था और आज सारा दिन और तो फिर यही सब हुआ। तो चलो अभी नहीं करेंगे ज़्यादा लेंदी, नहीं बनाएंगे वीडियो को, जल्दी खा लेते और वीडियो को यहीं पर कर देते हैं। 36 लोग को पकड़े थे पर 42 लोग खाने के लिए आ गए थे, फिर भी खाना बच गया था रात को। तो फाइनली मम्मी और मैं दोनों मिलकर खाना खा ली। एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइज और पूरा वीडियो वॉच करना। तो चलिए टाटा बाय बाय आज के लिए, मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।